गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट टीचर सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ देर आर मैनी टीचर्स इन माई स्कूल तो मेरे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं अमंग दम उन में से माई फेवरेट टीचर इज़ डैश तो आप यहाँ पर अपने फेवरेट टीचर का नेम नोट डाउन कर सकते हो शी इज़ थर्टी ईयर्स ओल्ड उनकी एज थर्टी ईयर्स ओल्ड है शी इज़ टॉल एंड ब्यूटिफुल वो टॉल हैं और सुंदर भी हैं शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग तो वो हमेशा अपने फेस पर एक स्माइल सी रखते हैं शी इज़ डैश टीचर तो यहाँ पर वो आप अप, आप अपने टीचर के सब्जेक्ट का नेम लिख सकते हो कि वो आपके कौन से सब्जेक्ट टीचर हैं शी टीच अस डैश सब्जेक्ट जो यहाँ पे आप लिखोगे सपोज इंग्लिश मैथ्स ई जो भी लिखोगे तो वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे मेंशन करोगे शी इज़ पोलाइट एंड फ्रेंडली तो वो बहुत अच्छे हैं हम अच्छे से हमारे साथ बात करते हैं और उनकी नेचर बहुत ही फ्रेंडली है शी टीच अस नाइसली वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हर क्वालिफ़िकेशन इज़ डैश तो आप अपने टीचर की क्वालिफिकेशन लिख सकते हो जैसे एम ई बी एड या बी एस सी बी एड एम एस सी बी एड पी एच डी जो भी है वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो शी टीच द लेसन इन अ सिंपल वे तो वो हमें बहुत अच्छे से आसान मैथड से टीच करते हैं फ़ एनी स्टूडेंट फेल्स टू अंडरस्टैंड अगर कोई भी स्टूडेंट समझने में अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता देन शी ट्राइज हर बेस्ट टू मेक आस अंडरस्टैंड व्हाट द लेसन मीन्स तो वो अपनी तरफ से हर अच्छी से अच्छी कोशिश करती हैं ताकि हमें समझ में आए कि लेसन क्या था शी रेगुलरली चेक आर होमवर्क वो रेगुलरली हमारा होमवर्क भी चेक करती हैं शी टेल्स अस टू कीप आर बुक्स एंड कॉपीज क्लीन तो वो हमें ये भी बताती हैं कि हम अपनी बुक्स और कॉपीज़ को क्लीन कैसे रखते हैं रख सकते हैं शी रिवाइज द तो वो हमें बताती हैं कि हमें अपनी कॉपीज बुक्स को क्लीन रखना चाहिए शी रिवाइज द प्रीवियस लेसन्स ऑल्सो तो वो प्रीवियस लेसन्स की भी रिविजन करवाती हैं समटाइम्स शी टेक्स सरप्राइज टेस्ट तो कभी कभी वो सरप्राइज टेस्ट भी ले लेती हैं शी ऑलवेज एनकरेज द वीक स्टूडेंट्स तो वो हमेशा एनकरेज करती हैं वीक स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं ताकि वो स्टूडेंट्स भी आगे बढ़े शी लव्स ऑल स्टूडेंट्स तो वो सब स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करती है आई लाइक हर एंड रिस्पेक्ट हर मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ और उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ या करती हूँ क्लियर तो आप लास्ट लाइन ऐड कर सकते हो मे गॉड मे शी लिव लॉन्ग कर सकते हो ऐड और अगर आपको अपने वे से किसी और कुछ और लाइंस ऐड करना चाहते हो देन यू कैन डू क्लियर आई एम गोइंग टू रिपीट देयर आर मेनी टीचर्स इन माय स्कूल अमंग देम माय फेवरेट टीचर इज डैश शी इज सिक्सटी इयर्स ओल्ड शी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल She is always smiling. She is dash teacher. She teaches us dash subject. She is polite and friendly. She teaches us nicely. Her qualification is dash. She teaches the lesson in a simple way. If any student fails to understand, then she tries her best to make us understand what the lesson means. she regularly checks our homework. she tells us to keep our books and copies clean. she revises the previous lessons also. sometimes she takes surprise tests. she always encourages the weak students. she loves all students. आई लाइक हर एंड रिस्पेक्ट हर मेशी लिव लॉन्ग राइट नाउ वी विल डू इट्स डिफिकल्ट वर्ड्स सो फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज फेवरेट फेवर एफ ए वी ओ यू आर फेवर रेट फिर हम आर सिंगल टाइम ही नोट डाउन करेंगे आई टी एफ ए वी ओ यू आर आई टी फेवरेट टीचर के तो आपको आते होंगे नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल बी ई एफ यू एल फुल ब्यूटीफुल एस एम आई एल आई एन जी स्माइलिंग नाइसली एन आई सी ई एल वाई नाइसली नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन होती है कि उनकी एजुकेशन कितनी है कितनी स्टडी की हुई है उन, उन्होंने Q U A L I, qualify, Y F qualification. C A T I O N, qualification. Right? Next is regularly. Regular plus L Y. R E G U L A R, regular. L Y L E, regularly. Clear? Next is surprise. S U R, sir. Price -E. PRISE. Next is encourages ENCOURAGES. Encourages. Fine. Next is respect RESPECT. 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 Next is previous PRE. -E -E previous VIOUS. Previous clear so these are difficult words you also know spellings of understand u and d e are under s t a and d stand understand right so these are favorite beautiful smiling nicely qualification understand regularly previous Surprise, encourages, encourage, and respect. Clear? So read and learn this paragraph and try to note it down in your notebook number two, which is your grammar notebook. Clear? Then in our live class, we will discuss tenses again. So, after writing this paragraph, learn types of tenses with its usage, rule, and examples. Clear? Okay, students, thank you.